फतेहपुरमान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इतने बच्चों को देख के बड़ी खुशी जी हो रही है। आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऐसा प्रोग्राम अच्छ बच्चों वास्ते मिथ्या है, समर कैंप का प्रोग्राम। तो इतने जो बच्चे बैठे हैं कुछ तो काफ़ी छोटे हैं, तो कुछ मैनू काफ़ी इस एज ग्रुप के लग रहे हैं जिन्होंने कैरियर काउंसलिंग की वाकई जरूरत है। जो असं कैरियर काउंसलिंग की गल करते हैं, कैरियर काउंसलिंग सानू एक ऐसा वर्ड लगता है कि शायद ये कुछ ऐसा मैजिकल वर्ड है जिस नाल साड़ा कुछ बन जाएगा। तो मैं सब तो पहले बच्चों एक गल पूछती हाँ कि कदे भी असी करियर काउंसलिंग के बारे सोचते हैं, कदे भी असी अपने करियर के बारे सोचते हैं, करियर होंदा की है? करियर का मतलब है कि हुण मैं पढ़ रही हाँ, मैं 10th क्लास की, मैनू सबजैक्ट्स की चॉइस करनी है, अगे मैनू केड़ा सबजैक्ट लेना चाहिए, मैनू किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, इसनू करियर कहते हैं। तो अगर तुसी राइट ट्रैक पे चल रहे हो तो डेफिनेटली तुहानू सक्सेस मिलेगा। हुण असी किस तरह सानू पता चले कि मेरे वास्ते राइट ट्रैक केड़ा है? सब तो पहले बच्चों तुहानू ये चीज़ देखनी चाहिए है कि मैं की नहीं कर सकता। की कर सकता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मगर मैं की काम नहीं कर सकता। तुसी उन्हां एरियाज नू कढ़ना है कि मैं किड़े किड़े काम नहीं कर सकता, उन्हां दी एक लिस्ट बनानी है, ते ओ तुहाडी लिस्ट चो बाहर हो गए। ठीक है जी, ये काम मैं नहीं कर सकता। हुण कोई बच्चा लैंग्वेजेस विच बहुत अच्छा है लेकिन उहदा मैथामेटिकल स्किल्स अच्छे नहीं है, तो वह की करेगा, मैथमेटिक्स नू रूल आउट कर देगा। तो पहली थोड़ी मुश्किल हल होगी कि मैं जो भी करना है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में करना है। तुसी अपने वो एरिया पहले चूज करो जेड़े तुसी नहीं कर सकते। नंबर नेक्स्ट, तुहानू अपना स्वॉट पता होना चाहिए है। स्वॉट का मतलब की होता है? SWOT, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। तुहाडी स्ट्रेंथ की है, यानी तुसी किस गल विच बहुत वधिया हो, तुसी गेम्स विच बहुत वधिया हो, तुहाडी हैंडराइटिंग बहुत वधिया है, तुसी स्किल्स तुहाडे ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छे ने, तुहाडे एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे ने, वो तुहाडी स्ट्रेंथ बन जाती है। W होंदा है तुहाडी वीकनेसेस, कि इस एरिया विच अगर मैं गया तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरी कमजोरी है, मैनू पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मैं जब किसी सामने खड़ा होता मैं स्टैमर करता, मैनू वोकैबुलरी नहीं आती, मेरे एनालिटिकल स्किल्स ठीक नहीं है। तो इसनों असं कहते हैं वीकनेसेस। अपने वीकनेसेस नू पहचान लो कि मेरे वीकनेसेस की है। जेड़े तुहाडे वीकनेसेस हैं तुसी उन्हानू इंप्रूव करने की, यानी कि वो तुहाडा एरिया है, वो तुहाडा टारगेट एरिया है जिस पर तुहानू काम करने की लोड़ है। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੈੱਟ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅੱਜ हर बच्चा एज ग्रुप के बच्चे नूं कंप्यूटर स्किल्स हैं, ये थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तुहानूं जिस तरह अज दा ये समर कैंप लग्या होया है, ये भी थोड़े वास्ते एक अपॉर्चुनिटी है। इत्थे आ के तुसीं सारे जिन्ने भी इत्थे विद्वान बैठे ने उन्हां दी गल्लां नूं सुनो, उन्हां ते अमल करो, क्योंकि ये जिन्ने भी बंदे आए हैं ये थोड़े वास्ते हैं, ये तुहानूं एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी देण वास्ते आए। ते लास्ट होंदा है थ्रैट। मैनूं थ्रैट की है? मेरे ते इस वक्त थ्रेट का मतलब नहीं है मैंने किसी बंदे का डर है, थ्रेट का मतलब है कि मेरा टाइम लिमिट ये है, अगर मैं इस टाइम लिमिट विच ये काम नहीं किया ये मेरे हाथ चो चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुसी स्टूडेंट्स हो, जे तुसी इस टाइम ते पढ़ाई ना की तुसी कदों करोगे? दिस इज अ बिग थ्रेट। तुसी अपनी मॉरल वैल्यूज नू अगर अज उसते काम नहीं किया, अगर तुसी आज पाठ गुरुद्वारे नहीं आए, आज तुहाडा तुसी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखिया, तुहाडी गलबात अच्छी नहीं हुई, ये थ्रेट है कि थोड़े वास्ते ये थ्रेट।
लाइफ विच तुहानू ए स्टेज जिहड़ा है जिस स्टेज विच तुसी अज हो ए तुहानू कदे भी नहीं मिले। ते बेटा जद भी तुसी अपने करियर दे बारे सोचते हो तुसी अपनी अपॉर्चुनिटी सारी ओपन लैके चलो, क्योंकि मैं स्टडी अब्रॉड तो बिलोंग करती हूँ कैनम कंसल्टेंट्स जम्मू, तो साड़ा काम है बच्चों बाहर स्टडीज वास्ते भेजना। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा बाहर जाए बाहर जाके स्टडी करे। जे तुहाडे तुहानू लगता है कि तुसी बाहर जाना है लेकिन तुसी अच्छी शिक्षा प्राप्त करन वास्ते जाना है तो फिर तुसी बिल्कुल जाओ। तो जे तुसी सोच रहे हो कि असी बस फॉरन पुजिए तो कैनेडा पुजिए US पुजी तो डॉलर कमाइए, तो मेरे को एको ही सलाह रहती है जो बच्चे मेरे को उधर भी आते हैं कि उस को वधिया इतने बैठे दे अपने घर में बैठे दे बहुत वधिया हो। तो जे तुसी पढ़न वास्ते जाना है तो बाहर जी जगह ही कोई नहीं है। जेडे बच्चे सोच रहे हैं कि असी हुण बाहर जाना है जी बाहर पढ़न वास्ते जाना है, तो तुहानू पता होना चाहिए कि तुहानू की चीज़ों की जरूरत आ सकती है। सब तो पहले तुहाडी लैंग्वेज स्किल्स, किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने वास्ते तुहानू आईएलटीएस का एग्जाम पास करना पैंदा है। आईएलटीएस इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये जड़ा टेस्ट है ये बैंड्स विच स्कोर होता है। तो तुहानू बैंड किन्ने चाहिए होंगे, 6.5 ओवरऑल, तो हर मॉड्यूल 6 बैंड। मॉड्यूल का मतलब है ये 4 पार्ट्स होते हैं, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग। तुहानू हर मॉड्यूल 6-6 बैंड लेने होंगे। उस तो बाद सेकेंड स्टेप ये रहता है कि जो तुसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लीयर करते हो तुहानू इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लीयर करके तुहानू चॉइस ऑफ कंट्री करनी पैंदी है कि असी केड़ी कंट्री में जाना है, असी केड़े मुल्क में जाना है, असी क्यों जाना है। अगर असी 12th क्लास के बच्चे हाँ, 12th क्लास पास की हुई है, 60% तो ऊपर नंबर ने, साढ़े मैथ्स विच वधिया नंबर ने, क्योंकि अगर तुसी बाहर दी कंट्रीज दा देखो स्पेशली जिहड़ी सब तो पॉपुलर कंट्री वो कैनेडा है। तो जदों असी कैनेडा की गल करते हैं तो कैनेडा विच एक मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे नूं क्लास 12 विच मैथ्स की रिक्वायरमेंट आती है जे बच्चे ने यूनिवर्सिटी विच पढ़ना है। सिमिलरली जिहड़ा तुहाडा कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है उसनों भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट चाहिए है, मैथ्स होना चाहिए है जे तुसी यूनिवर्सिटीज़ विच डिग्रीज करनी है। तो जिन्हें बच्चों ने ग्रैजुएशन कर ली है वह बच्चे भी मास्टर्स प्रोग्राम या PG डिप्लोमा के प्रोग्राम्स लै सकते हैं। हुण साढ़े बच्चे जड़े इत्थे कॉमर्स बैकग्राउंड दे ने जिन्होंने ग्रैजुएशन कर लीती है वह बच्चे डायरैक्ट MBA की एडमिशन नहीं लै सकते कैनेडा विच, क्योंकि उत्थे 15 साल की एजुकेशन एक्सैप्ट नहीं किया जाता। इस वास्ते बच्चों जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम विच ग्रैजुएशन की है उन्होंने नाल कोई ना एक अद्धा डिप्लोमा जरूर कर लेना चाहिए ताकि उन्होंने एजुकेशन 16 ईयर्स हो जाए। जड़े बच्चे 12 तो बाद इंजीनियरिंग करते हैं 4 ईयर कोर्स करते हैं वो बच्चे MBA वगैरह प्रोग्राम्स विच जा सकते हैं। तो इतने जिन्हें भी बच्चे बैठे हुए हैं अगर किसी को भी आईएलटीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है मेरे नाल मेरी टीम है तुसी उन्हां नूं मिल सकते हो, हनीत मैम ते इच्छाप्रीत तुसी उन्हां नूं मिलो, वो तुहानू इस दे बारे विच वध तो वध जानकारियां देणगे। तो जिन्हां बच्चों नूं बाहर जाण दा बहुत शौक है तो बच्चों पहले ये चीज़ डिसाइड कर लो कि तुसी पढ़न वास्ते जाना है या काम करन वास्ते जाना है। जे तुसी पढ़न वास्ते जाना है तो बाहर दी जगह कोई नहीं है, जे तुसी काम करन वास्ते जाना है तो फिर अपने अपने घरां विच इत्थे ही बैठे रहो तो बाहर का भूत तुसी अपने सिर तो उतार लो। ठीक है ना, ये इन्ना सौखा नहीं है, बहुता पैसा लगता है, बहुत ही इन्वेस्टमेंट होती है पेरेंट्स की, लेकिन पेरेंट्स यही चीज़ चाहते हैं कि तुसी उत्थे जाके अच्छी एजुकेशन अचीव करो। साढ़े बच्चे जड़े इधरों कैनेडा गए ऑस्ट्रेलिया गए जिन्होंने उत्थे एजुकेशन लीती है वो अज सारे टॉप कंपनीज विच काम कर रहे हैं। उन्हों का पैकेज जड़ा है वो बहुत हाई है, लेकिन वो ता हाई है कि बच्चों ने कंसनट्रेट सिर्फ अपनी एजुकेशन पर किया है। तो बच्चों जो भी फील्ड तुसी लेना चाहो, जो बच्चा तो बहुत इंटेलीजेंट है बहुत मेहनती है उन्होंने चाहिए इतने रह
पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स क्लीयर करन। तो जिस बच्चे को शौक है बाहर जाना, उसनों पहले अपने सब्जेक्ट्स अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नू देख के ही एक कदम चुकना चाहता है। तो IELTS की ट्रेनिंग अगर तुसी साडे कोल करनी है, क्योंकि असी ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हाली गवर्नमेंट की तरफों कोई भी ऑर्डर नहीं है साडे कोल ऑफलाइन का, असी ऑफलाइन नहीं स्टार्ट किया। तो जिहड़े भी बच्चे IELTS करना चाहते हैं, साडे पैम्फलेट्स इत्थे है, उसते मैम दे सिग्नेचर्स लै लो, तो उस तुसी साडे कोल आओ। मैं इधर के बच्चे जिहड़े बैठे हैं जिहड़े मैनू सुन रहे हैं, उन्होंने असी पूरी पूरी कंसेशन करन दी कोशिश करांगे। और जिन्हें भी बच्चे छोटे बच्चे इतने हैं, तुसी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव करो। असी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी करवाते हैं, तो तुसी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के प्रोग्राम्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग का जब असी गल करते हैं, सब तो पहली गल आएगी थोड़ी वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करो। अजकल क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का जमाना आ गया है, बच्चों को देखा जा रहा है कि बच्चे वध तो वध मोबाइल फोन हाथ में फड़ के सारा दिन बैठे रहते। जो तो मोबाइल फोन थोड़े को आ गया, किसे अच्छे स्पीकर को सुनो, कोई अच्छी चीज़ पढ़ो, कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ो। ये नहीं कि मोबाइल फोन थोड़े हाथ में आ गए तो तुम गेम खेलन शुरू हो जाओगे। थोड़ा अज का टाइम थानू नहीं लगता कि यह कि कीमती है, ये थानू बाद चो जाके रियलाइज होएगा कि थोड़े एक एक मिनट की कीमत किनी है। जरा ये टाइम है थोड़ा, इसको तुम बड़े अच्छे तरीके यूज करो। और जिन्हें भी पेरेंट्स इतने बैठे हैं, अगर थानू स्टडी अब्रॉड के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, तुसी साडे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो, मेरी टीम भी इतने बैठी हुई है, तुसी उन्होंने भी मिल सकते हो। तुहानू हर कंट्री के बारे में असी बड़े अच्छे तरीके समझावांगे, तो थोड़ी कोई भी क्वेरी होगी वो असी थोड़ी क्वेरी का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करांगे। तो मेरे तरफों सिर्फ इन्ना हो सकता है कि जिन्हें बच्चे इतने बैठे दे हैं, अपने स्किल्स से काम करो। जो भी स्किल थोड़ा बहुत स्ट्रोंग है, उसको होर स्ट्रोंग करो। कोई भी काम तुसी करो वधिया तरीके नाल करो, तुसी अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अपने करियर नू अपने, ये जरूरी नहीं होंदा हर बच्चा डॉक्टर बने या हर बच्चा इंजीनियर बने। कोई बच्चा टीचर भी बनेगा, कोई पोलिटिशियन भी बनेगा, कोई जर्नलिस्ट भी बनेगा। तुसी अपनी स्किल्स नू पहचानो। तो पेरेंट्स अगे मेरी यही गुजारिश रहती है कि बच्चों को उस चीज़ में एनकरेज करो जो थोड़ा बच्चा करना चाहता है। अपनी गल्लां बच्चों से ना थोपो, बच्चों को सुनो। तो बच्चों से कुछ तुसी जो तुसी उन्हें देना चाहते हो, वो आज के जमाने में थोड़ी एजुकेशनल नॉलेज नहीं है, तुसी उन्हें मॉरल एजुकेशन दो। तो बच्चों, हर बच्चे की जिंदगी में ऐसा मुकाम आता है कि बच्चे थोड़े जे लो फील करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चे वो लो फील शुरू कर दें जिन्हें कोई हॉबीज नहीं होंदिया। तो अपनी हॉबीज कल्टीवेट करो, जो थानू अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में वो करो। नशिया तो दूर हो। जेड़ा बच्चा गुरु घर नाल जुड़िया होगा, वो कदे भी नशिया वाल नहीं जाएगा। इस वास्ते हर बच्चे अगे गुजारिश है कि अपने टाइम बड़े अच्छे तरीके नाल यूज करो, अपने स्किल्स इंप्रूव करो, अपनी हॉबी रखो, कोई ना कोई शौक पालो। किसी नू गार्डनिंग का शौक है, किसी नू पढ़ने का शौक है, किसी नू गाना गाने का शौक है। इस शौक होता है अपने अपने शौक जिहड़े तुहानू अच्छे लगते, जिहड़े तुसी अपने फ्री टाइम विच करना चाहते हो, उस चीज़ नू तुसी अगे वधा सकते हो। तो साड़ी कदे भी तुहानू कितने भी जरूरत पई तो असी थोड़े अगे हमेशा हाजिर हैं। इन्हां गलां नाल मैं थोड़े तो विदा चाहूँगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।